वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 के लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का ये आज आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। आपका टोटल जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है वो आप लोगों का समाप्त हो रहा है आज। तो टोटल वीडियो आप लोगों के हो चुके हैं सामाजिक विज्ञान के, जो कि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट चैप्टर वाइज किया था। जैसे अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं, इसी तरह से हिस्ट्री भी किया था और भी जो सब्जेक्ट थे उनका करवा दिया है। तो टोटल वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आ गया हूं और आज आपका सामाजिक विज्ञान समाप्त होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 227 तक आपने देखा था, आज हम लोग 228 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 228 है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18.5%। क्वेश्चन नंबर 229 है, मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटी कपड़ा और मकान। क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित में कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमीन। क्वेश्चन नंबर 231, नागरिक सेवाएं हैं क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सेवाएं एवं अन्य। और चलिए क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 232 है, भारत में कॉल सेंटरों की सीमा बढ़ रही है, घट रही है, क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 233 है, सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना, क्या? जो आपके पास दक्षता है, क्वालिफिकेशंस है, उसके अनुसार सरकार आपको क्या देनी चाहिए, सरकार को आपके लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काम। आपके पास काम होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशंस के अनुसार, सरकार का यही काम है, लेकिन ये भी पूरा नहीं कर पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 234, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है? आंसर है ऑप्शन ए, अधिक। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है, किसकी? अधिक हुई है। और क्वेश्चन नंबर 235, नरेगा बनाई गई है, नरेगा किस लिए बनाई गई है, किनके लिए बनाई गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिसमें 100 दिन का काम दिया जाता है साल में। और क्वेश्चन नंबर 236, नरेगा पूर्णतः सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिचौलिए, बिचौलियों के कारण नरेगा सफल नहीं हो पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 237, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी कब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 238, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। और चलिए क्वेश्चन नंबर 239 है, आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र क्या है? आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र हैं कौन से? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 240, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। डब्ल्यू टी ओ का विस्तारित रूप फुल फॉर्म क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 242, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 243, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ड मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 244, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 245, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? थम्सअप जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, उसे कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 246, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, पूंजी से, वस्तु से और प्रौद्योगिकी एवं विचार। क्वेश्चन नंबर 247, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 248, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से संबंध। क्वेश्चन नंबर 249, वैश्वीकरण के आधार हैं क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला है व्यवसाय संबंधी अवरोध और दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह और तीसरा है श्रम का निर्बाध प्रवाह, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 250 है, निवेश के अंतर्गत शामिल है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, भूमि खरीद, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरण में लगाई गई पूंजी। क्वेश्चन नंबर 251 है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं क्या? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 251 फिर से देख लीजिएगा, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क और ख दोनों, ए प्रौद्योगिकी में प्रगति और दूसरा है सूचना एवं संचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 252 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 253, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 149। हालांकि ये इसमें बढ़ चुका है, अभी शायद 153 देश हैं, लेकिन इसमें बुक में जो दिया गया है वो है 149। और क्वेश्चन नंबर 254 है, आधारिक संरचना में शामिल है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, वित्त, संचार और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 255, वैश्वीकरण का बिहार में निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी,
कृषि उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और निर्धनता में कमी। क्वेश्चन नंबर 256, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य हैं क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन बी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार। अब क्वेश्चन नंबर 257 है, देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 258, भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित में कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित में कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, और दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, और तीसरा है नए बाजार तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 269, देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, यह किसका वक्तव्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 260 है, भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 261 है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ जाती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 262 है, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 263 है, मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को, मॉल जो होती है उपलब्ध कराती है वस्तुओं को कहाँ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ही स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 264, विदेश निवेश का उद्देश्य क्या होता है? विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाभ। क्वेश्चन नंबर 265 है, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है? ऑप्शन ए, कमी करना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 266, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना और स्थानीय कंपनी से साझेदारी करना और नए कारखानों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 267, आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ कब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 268 है, बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 269, उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, कोटा से
और परमिट से और लाइसेंस से। क्वेश्चन नंबर 270, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 271, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक। क्वेश्चन नंबर 272 है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 273 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 274, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आप लोगों ने सुना होगा, टीवी वगैरह पेपर वगैरह में आते रहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क। हॉलमार्क से सोने की शुद्धता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 275, यदि किसी, अच्छा दोस्तों, हॉलमार्क का चिन्ह कैसा होता है आप लोगों को पता होगा। हॉलमार्क का चिन्ह इस तरह का होता है, इस तरह का हॉलमार्क चिन्ह होता है, तो ज़्यादा बढ़िया से तो नहीं बना, लेकिन इसी प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 275 है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग में। क्वेश्चन नंबर 276 है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, मिलावट की समस्या, तौल की समस्या और कम गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 277, उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में कौन से तरीके हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सामान से खराबी हटाना, ऑप्शन बी है सामान को बदलना, और सी है सेवाओं में त्रुटि हटाना, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 278, उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे हैं क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान, और ऑप्शन सी है अपने अधिकारों को पहचानो। ये सभी उपभोक्ता जागरूकता हेतु ये सभी नारा जो है प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 279, उपभोक्ता निम्नलिखित में किस कारण शोषण के शिकार होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, शिक्षा की कमी, गरीबी का प्रभाव और जागरूकता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 281, भारत में वर्तमान में जिला फोरम है कितने? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 582। क्वेश्चन नंबर 282 है, वर्तमान में देश में उपभोक्ता के विवादों के निपटारा के लिए कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? वर्तमान में भारत देश में उपभोक्ता के विवादों के निपटारा के लिए
कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35। क्वेश्चन नंबर 283, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार संबंधी शिकायत के निवारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 284 है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। यह किसका वक्तव्य है? जिसे दुकानदार जो कहते हैं, ग्राहक हमारे लिए भगवान है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 285, 285 है, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार का महत्वपूर्ण अंग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 286, उपभोक्ता को निम्न में किसकी जानकारी आवश्यक है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, वस्तु का गुण और वस्तु की मात्रा और गुणवत्ता सभी उपभोक्ता को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 287 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जागो ग्राहक जागो एक नारा है किसके लिए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता जागरण हेतु। क्वेश्चन नंबर 288 है, उपभोक्ताओं का सदैव होता है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, शोषण होता है, दोहन होता है और उत्पीड़न होता है। क्वेश्चन नंबर 289 है, उपभोक्ता जागरण आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 290, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 291 है, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रामक प्रचार। क्वेश्चन नंबर 292, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, राष्ट्रीय आयोग को, राज्य आयोग को और जिला फोरम को। क्वेश्चन नंबर 293, उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किस वस्तु की? उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु को? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, गुण का, मात्रा का और निर्माण सामग्री का। क्वेश्चन नंबर 294, उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर करती है किस पर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता पर। जब उपभोक्ता खरीदेगी ही नहीं तो बनाएगा क्यों? चलिए क्वेश्चन नंबर 295, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रेता पर। क्वेश्चन नंबर 296, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जागरूक।
क्वेश्चन नंबर 297, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी रसीद लेनी चाहिए, गारंटी कार्ड लेनी चाहिए और वारंटी कार्ड लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 298, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 299, खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एगमार्क। एगमार्क खाद्य पदार्थों पे, हॉलमार्क सोने की शुद्धता पे, और ISI जो है वो जितने भी आप होम अप्लायंस यूज करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 300, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई कब? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 301 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है कैसी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धविकसित। क्वेश्चन नंबर 302 है, भारत में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि का दर है कितनी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.8%। क्वेश्चन नंबर 303, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 304 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रधान कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 305 है, अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 306, भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख सूचक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों, यानी कृषि की प्रधानता और निम्न प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या का दबाव। क्वेश्चन नंबर 307, भारत में कितने वर्षों पर जनगणना होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों पर। पहले 2002 में हुआ और उसके बाद 2011 में हुआ। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 308, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? सॉरी, मैंने 2002 बोल दिया था, 2000 में। तो 308 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गलत हो गया, ये बिहार है। ठीक है, बिहार है जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है। क्वेश्चन नंबर 309, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 310 है, परिवार नियोजन का अभिप्राय है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार को सीमित रखना, छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो दोस्तों कैसा रहा ये आपका सामाजिक विज्ञान का टेस्ट? टोटल सेट आप लोगों का हो चुका है, टोटल 5 भागों में ये पूरा किया गया सामाजिक विज्ञान। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उसी में आपको जितने भी DLED के वीडियो हैं वो एक साथ आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। चलिए अब मिलेंगे कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।